ये दोनों भी बाहर आ गए हैं, तो इनका अंडा चेक कर लेते हैं अभी, बच्चा निकला है कि नहीं निकला अभी तक। ये अमेरिकन का बच्चा पड़ा है, इधर अंडे में से अभी तक ना बच्चा नहीं निकला, वैसे अंडा पड़ा है। ओए लड़ाई ना करो। इधर माशाल्लाह से हमारे सब बर्ड खा के वो जा चुके हैं प्लाट में, और ये हमारे पिजन बैठे हैं, इन्होंने भी खाना खा लिया है। तो ये मैंने अपने छोटे बर्ड को मिक्स खुराक और रोटी ब्रेक करके डाल दी है, पानी भी ताज़ा रख दी है। तो माशाल्लाह से ये सब बैठे हैं, तो मुझे लगता है भाई एक और पेयर ने जो है ना अंडे दे दिए हैं। वो जो सामने वाली मटकी है ना, ये वाली, इस मटकी में एक फीमेल बैठी है, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो ये पेयर भी एक रेडी है, एक ये ब्लू वाला इंशाल्लाह ये भी रेडी है। ये भी पर माशाल्लाह से हमारी बैठी हैं फिंचेस, और कूदने में लगी हुई हैं, कभी इधर कभी उधर। तो इधर भी मेरे ख्याल में नेस्ट इनकी रख दें, तो ये भी हो सकता है ब्रीड स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तो कैसे हैं आप सब, खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आप पीछे देख रहे हैं ये सब हमारे बर्ड्स खा पी के आ चुके हैं प्लाट में, और ये हमारे पैरट्स बैठे हैं पीछे, ये मेल बैठे हैं माशाल्लाह से, और फीमेल जो है ना वो मेरे ख्याल में इसके अंदर ही है। इन्होंने तो सारा हुलिया ख़राब कर दिया है इसका। ये फीमेल के काम है सारे, सारा नेस्ट की हालत देखे ना, मैंने ये नीचे फेंका था और ऊपर रखा था दूसरा, तो इन्होंने सारे ये वो निकाल दिए। तो अभी इनको छांव में रख देते हैं यहाँ पे, और इनका पानी भी नहीं पड़ा, पानी भी डाल देते हैं इनको। ये भी इनको पानी रख दिया है, तो अभी दोनों केज में चले गए हैं। ये हमारी मुर्गी इंजॉय कर रही हैं। गैना फॉल की आज कुछ तबीयत बेहतर है पहले से, और हमारी डक्स देखें कैसे बैठी हैं सुकून से। इनको प्लाट मिला हुआ है, ये प्लाट इनके नाम लग गया है, और ये देखिए छोटू बैठे हैं। ये वीवर सुबह तो मेरे पास छड़ी नहीं थी, अभी मैं लेकर आया हूँ, तो अपने पैरट्स और बजेज को डालते हैं छड़ियाँ, इसके ऊपर से छिलका जो है ना वो उतारते हैं। ये वीवर इनको डाल दिए, माशाल्लाह से आ गए हैं सब खाने के लिए। कुछ ऊपर बैठे हैं ये, वो देखे सामने खुमरा जो है ना फीमेल, वो बैठा हुआ है ऊपर, नहीं बल्कि ये मेल है, ये जो खुमरा बैठा है ये मेल है, ये उसके टोकरी के अंदर बैठने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो साइड पे हो जाती है। फिर अभी हम जा रहे हैं एक दोस्त के पास, हमारे दोस्त के पास ना काफ़ी बर्ड पड़े हैं, तो उसने अभी मेरी तरह मिनी जू बनाया हुआ है, तो उसका जाके विज़िट करते हैं और उसके जाके परिंदे देखते हैं। वो हमारा दोस्त है अब्दुल्ला उतरा, उसके डेरे पे जाते हैं और जाके चेक करते हैं कि कौन कौन से उसके पास परिंदे हैं। तो अभी गाड़ी निकाल ली है, तो चलते हैं डेरे पे। ये परिंदे हमारे माशाल्लाह से घूम फिर रहे हैं अभी। माशाल्लाह से ये पैरट्स का पेयर एक पड़ा है भाई के पास, ये ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह से, और काफ़ी प्यारा केज बनाए हुए हैं भाई ने। ये कॉकटेल का पेयर पड़ा है एक, और इनके साथ जो है ना इनके सेटअप लगाया हुआ है, ब्रीडिंग सेटअप बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। मेरे ख्याल में ये टमाटर पसंद नहीं करते, जो टमाटर इनके वैसे ही पड़े हैं पैरट्स के। तो ये माशाल्लाह से डब्स हैं और फिंचेस वगैरह और बजी पैरट, ये सब इसी में इन भाई ने रखे हुए हैं एक केज में।
माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सेटअप है इनके लिए, ब्रीडिंग सेटअप भी लगाए हुए हैं साथ, और ये दो पेयर पड़े हैं लव बर्ड के, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे कलर में है और ब्रीडिंग सेटअप भी लगाया हुआ है इन्होंने। एक ऊपर बैठा है और तीन नीचे बैठे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं ये तो यार टर्की बर्ड्स, तीन बैठे हैं माशाल्लाह से। और ये देखें ब्लैक टेल, बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से, अच्छी क्वालिटी में गैनाफॉल। और ये सारे पिजन बैठे हैं भाई के, ये इसकी मेरे ख्याल में ये फीमेल बैठी है ब्लैक टेल की। एक नया सेटअप बन रहा है माशाल्लाह से, ये भी तैयार हो जाएगा तो इसमें भाई कुछ चीज़ रखेंगे। और ये माशाल्लाह से और भी गैनाफॉल आए इनके पास, ये दो और खड़ी हैं और देखें कितनी बड़ी लाइन में है, ये इनके पिजन भी घूम रहे हैं, काफ़ी बड़ा सेटअप है माशाल्लाह से। ये मेरे ख्याल में पिजन की है कलोनी इन्होंने बनाई हुई है, सारे पिजन बह रहे हैं, सिर्फ इसमें कोई पिजन नहीं है, ये भी मेरे ख्याल में पिजन ही है। ओ माशाल्लाह से ये कॉक पड़े हैं जिसको चकोर कहते हैं, बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से, लगता है ये ब्रीडर हैं क्योंकि बड़े साइज में लग रहे हैं मुझे तो। ये असील मुर्गी खड़ी है, ये भी और मैंने इनको शाम की डाइट डाल दी है, ये खा रहे हैं माशाल्लाह से, रोटी इनको डाल दी है, पानी भी इनका पड़ा है। तो ये हमारे पैरेट्स पड़े हैं, इनको भी रोटी डाल देते हैं, ये भी और मैंने रोटी इनको डाल दी है। तो ये सब बाकी बर्ड जो है ना इंतज़ार में खड़े हैं, ये आ गए हैं खाने के लिए, तो रोटी मैंने ले ली है, आज रोटी काफ़ी ज़्यादा बच गई तो इनको सबको रोटी डालते हैं। ये माशाल्लाह से हमारे अमेरिकन भी आ गए हैं और दूसरे सब परिंदे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ आ आ आ आ आ आ आ आ जाओ। ये देखे माशाल्लाह सारे पिजन इकट्ठे खा रहे हैं, तो व्यूअर माशाल्लाह से हमारे सब बर्ड जो है ना खा चुके हैं, ये खा पी के ये प्लाट में कुछ गए खड़े हैं, तो अभी शाम का टाइम होने वाला है तो इसलिए ये थोड़ा सा खा पी रहे हैं और मज़ीद। तो मैंने इनको दाना भी डाला है, रोटी भी डाली है, तो ये सब खा के ये जो पिजन है हमारे ये अपने केज में चले गए हैं, ये ऊपर बैठे हैं और ये अभी खा रहे हैं माशाल्लाह से, ये बड़े शौक़ से खाते हैं छलियाँ, तो इनको भी मैंने दाना वगैरह डाल दिया है। व्यूअर आज की वीडियो का ये पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल फैंसी बर्ड्स लवर को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।